अम्बाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखरा साहब में चल रहे समागम में एसजीपीसी की अध्यक्षा बीबी जगीर कौर नतमस्तक होने पहुंची, जहां सबसे पहले गुरु के चरणों में उन्होंने शीश झुकाकर माथा टेका। वहीं इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हल्ला बोलते हुए कहा कि हरियाणा एसजीपीसी उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अब इनके प्रधान का किस कदर विरोध हो रहा है सब जानते हैं। अम्बाला में पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में चल रहे समागम में इन दिनों पंजाब की सियासत से जुड़े कई बड़े सियासतदान नतमस्तक हो रहे हैं। बीते रोज पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में नतमस्तक हुए थे, वहीं अब एसजीपीसी अध्यक्षा बीबी जगीर कौर पंजोखरा साहब पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होकर माथा टेका। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीबी जगीर कौर ने बताया कि आज गुरु हर कृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव है और इस अवसर पर वे यहां पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली मान रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन सिख पंथ के लिए बेहद खास है। अम्बाला पहुंची बीबी जगीर कौर ने हरियाणा एसजीपीसी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा एसजीपीसी उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अब इनके प्रधान का किस कदर विरोध हो रहा है सब जानते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम गुरमत का प्रचार प्रसार करना, मर्यादा नूं बचाउणा है, सिद्धांत की पहरेदारी करनी और जिथे मानवता दे कोई भीड़ बने उस मानवता की सेवा विच हाजिर होना, भावें किसी देश विच होवे भावें किसी स्टेट विच होवे। किते मानवता नूं तकलीफ आई है, किते मानवता दे उत्ते कोई भीड़ बनी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर वेले अगे होके लड़ती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहानू ये पता होना चाहिए है कि पंजाब जो हरियाणा पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ च बाद च वंडिया गया, अद्धा पंजाब पाकिस्तान च रह गया, ये अद्धा पंजाब इधर आया, पौने 200 गुरद्वारे साढ़े तो विछड़ गए, कुछ गुरद्वारे जड़े सन वो पंजाब पहला वड्डा पंजाब जड़ा सी उहदे विच इधर आया, फिर तीन हिस्सों में वंडिया गया। उहदे अनुसार इत्थों 8 मैंबर 11 मैंबर इत्थों चुने जाते हैं और 159 मैंबर जड़े उत्थे चुने जाते हैं। सो उहदे हिसाब दे नाल ही इत्थे जिहड़ियां सीटां जिहड़ियां पहलां दी जो बनतर है उही की जाती है, इनू सियासत विच ना जोड़िया जाए क्योंकि धर्म जिहड़ा वंडिया नहीं जाता, गुरद्वारे वंडे नहीं जाते। हर गुरद्वारा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संबंधित है, भावें वह किसी स्टेट विच किसे च होवे, हर थां दे उत्ते उन्होंने सेवा जिहड़ी संभाल पूरे बराबर तरीके नाल करनी होंदी। हरियाणा कमेटी साढ़े वास्ते कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ इस तरह से कि जो उन्होंने रौला पाया उन्हें केस किया उस वेले वो चीके विच जाके जबरदस्ती वड़ गए से कितने कोर्ट विचों जो कर दिता गया सुप्रीम कोर्ट चो कि जिहड़ा स्टेटस को कर दिता गया क्योंकि असी उन्हें जबरदस्ती नहीं कढ़ सके, वो उत्थे बैठे से चीके गुरद्वारे और जिस बंदे ने उत्थे कब्जा किया जो उहदा हशर हो रहा है, जो कल मैं सुन रही से कि किन्ना लोगों ने उस पिंड दीआं गालां कढ़ियां कि ये तो एक कई शब्द बोले मैं अपने जबान चो नहीं बोलना। तुसी सब जानते हो कि जिहड़े लुटेरे सी उह विच वड़ गए और उन्हां लोकां ने जाके उस वेले बहुत बेहुरमती की मर्यादा का कहाण किया, जबरदस्ती श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की वो जायदाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिख कौम की नुमाइंदा जमात की प्रॉपर्टी है, उही उसका गुरद्वारे भी वोदे है। पर क्योंकि असी समझते हैं कि कोई गल नहीं जे सेवा संभाल करी जाते हैं, सानू इतराज नहीं आया, पर असी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट का हुक्म सी, केवल एक गुरद्वारा चीका जिहड़ा उत्थे उहदे विच वड़े हुए है। बस नहीं नहीं तुसीं क्या हरियाणा कमेटी को, हरियाणा कमेटी को तो सारे चीके ची है, तुसीं श्रोमणी कमेटी की गल करो, तुसीं जिहड़े वक्खरे हो रहे उन्हां नूं पुछो। साडा काम है प्रचार करना, साडा काम प्रचार ते प्रसार करना है। हर सिख तुसी क्यों टुटे हो, ये अपना मनुख दसे आप मैं क्यों टुटा, नहीं नहीं तुसी पढ़िया लिखिया दियो दियो ग्रंथी जी, अगर को पढ़े लिखे अगर दियो असते खोले हुए है, असते मिशन खोले भाजी मेरे ना बैसल की लोड़ नहीं है, असी नहीं असी मिशन खोले है पढ़न, असी मिशन खोले है ओहदे विच पढ़न बनी हुई है जी, साडा तो है ही नहीं जी पढ़िया लिखिया ही हुंदा स्टू ही दाखिल हुंदे है साडा ग्रंथी, एक मिनट सुनो, साडे मिशन विच प्लस टू दी क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग है, फिर उत्थे 3 साल का कोर्स है, फिर उत्थे ग्रंथी बनता है। जिहड़े कोई बाहर हुंदे आ तुसी लोग रखांदे हो पाठ करन वास्ते, सुखनी साहब रखाओ, साडे जी सिंह साहब बैठदे आ जी,
ट्रेनिंग सेंटर साढ़े 16 मिशन चल रहे हैं जी, और साढ़े सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर साहब विखे, आनंदपुर साहब विखे, जतलवंडी साहब विखे बहुत सारे साढ़े मिशनरी कॉलेज है, हरियाणे में मिशन है जी। वही कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को लेकर बीबी जगीर कौर ने कहा कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा एसजीपीसी किसानों के साथ है, फिर चाहे बात लंगर की हो, रहने के बंदोबस्त की हो, फिर दवाओं से संबंधित जरूरतें हो, एसजीपीसी हर वक्त किसानों के साथ है। पंजोगरा साहब गांव में एसजीपी से अधीन चलने वाले खालसा कॉलेज में स्टाफ को बीते एक साल से वेतन नहीं मिला। इस सवाल के जवाब में बीबी जगीर कौर ने बताया कि एसजीपीसी के अपने फंड्स के बलबूते ही कॉलेज और शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। कोरोना काल गुरुद्वारों से होने वाली आमदनी पर असर पड़ा तो इसलिए वेतन नहीं दिया जा सका, लेकिन जल्द ही एसजीपीसी वेतन जारी करेगा। यहां फंड्स को लेकर जगीर कौर ने कहा कि फंड्स के मामले में ना तो हरियाणा ना ही पंजाब सरकार एसजीपीसी की कोई मदद करती है। देखो मेरी बेनती है जी, साडिया अकैडमिया दे विच बकायदा ट्रेनिंग हुंदी है, उन्होंने 3 साल उन्होंने संथिया दी जाती है, संगीत अकैडमी भी है। देखो कुछ संस्थावां होर भी बनिया, मेरी सुन लो बेनती, कुछ साडिया मिशनरी कॉलेज चो पढ़े, कुछ संस्थावां ने भी खोले हुए, जिस तरह कोई महापुरख ने उन्होंने खोली हुई ट्रेनिंग सेंटर जां उन्हां दीआं संस्थावां च हो रही है, कोई मिशनरी कॉलेज बने हुए है उन्हां विच हुंदी है, इस करके वक्ख वक्ख कॉलेज भी खुले ने जिन्हें पढ़ के आते हैं बच्चे। जब तक किसान किसी थान के उ बैठे असं हर थान के उ करते हैं, भावें लंगर की लड़ है, भावें बिस्तर की लड़ है, भावें रिहायश की लड़ है, भावें दवाइया की लड़ है, असं लगातार चला रहे। कोविड-19 करके सरकार ने हथ खड़े करते, उन्होंने 60% दी है एजुकेशन सैलरी साड़ी के सैलरी, क्योंकि कोई भी कॉलेज साडा सैल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ 5 कॉलेज साढ़े सैल्फ डिपेंडेंट है, बाकी सारे कॉलेजों नू सारी जिहड़ी देखो ड्यूटी ते बनती है प्राइवेट सारे कॉलेजों की कि सहयोग लैके बच्चों वध तो वध लिया के उहदे विच जिहड़ी तनखाह पूरी की जाए। पर अफसोस, मैं ये अफसोस ने मैनू कहना पै रहा कि कोविड के समय के ना बच्चे ने फीसा दित्तियां, ना बच्चे आ सके, जिहदे करके तनखाह रुकियां। और मैं इस वेले तक कोविड तो जदों की मैं बनी है 8 महीने च, इस वेले तक 32 करोड़ रुपया मैं दे चुकी हैं, और 32 करोड़ रुपया साडा जो हो रहा जो स्कूलों कॉलेजों दियाँ तनखा देने वाली। देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी केवल तो केवल गुरु घर दियाँ गोलका दे विच जिहड़ी सेवा हुंदी उहदे नाल चलती है, जां कोई माड़ी मोटी जमीन का ठेका हुंदा उह तो चलती है, यही कोई गुरु घर चो साडा दसवंध वापस नहीं जा रहा जी। 87 वाले सारे डिफाल्टर जेड़े साडा 25% असी फंड लैना हुंदा 85 के गुरुद्वारे चो, कोई गुरुद्वारे चो फंड नहीं जा रहा, कह असी दिने सारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आमदन केवल गुरुद्वारों का 25% है, 25% धर प्रचार लिए 10% 15% जो असी लें एजुकेशन का फंड किसी भी गुरुद्वारे चो। खास करके मैं समझती हूँ कि हरियाणे के कोई भी गुरुद्वारे चो शायद एक अद्धा गुरुद्वारा छड़ के किसी चो साडा फंड अजे वापस नहीं गया। सो जेडे फंड आउणगे नहीं, जे संगत घट आई, जे संगत की आमद घट हुई उत्थे फिर फंड भी घट आए, जो फंड घट आए जदों गुरुद्वारे दे विच आएगा नहीं, सानू दसवंध मिलेगा नहीं, असी लुट के तो किसी को देना रहे, असी भी उन्हां विचों कढ के देना हुंदा। इस करके असी लगे हैं, कल नूं असी प्लान बनाई है कि आने वाले समय से असी मैं सगा हुण कोई FD लैके उहदे अगेंस्ट लोन लैके इन्हां लोगों नूं असी तनखाह देन लगे। तुसीं साडी जिम्मेवारी है कि जे कोई नुकसान होया कोविड-19 करके, भावें ये मेहनत इन्हों करनी चाहिए है और वध तो वध आमदन पैदा करनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, पर फिर भी असी समझते साड़ी लाइबिलिटी है कि असी इन्हां दे रिस्पोंसिबल हैं कि साड़ी संस्था है। अज तक किसी कॉलेज को असी 1 रुपया नहीं कभी लिया, किसी स्कूल विचों सानू 1 रुपए की आमदन नहीं, कि कोई कॉलेज कह दे कोई स्कूल कह दे कि कहते श्रोमणी कमेटी को किसी ने आमदन दी हो, असी फिर भी इधरों उधरों असी फंड लैके जां असी लोन लैके इन्हां दी तनखाह देने वास्ते वचनबद्ध होए हैं, देवांगे, साडा परिवार है। खबरनामा रहने के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।